Hello everyone, today I came up with the third part of regression analysis. In my first and second part, I have explained you what is a regression equation and how we are going to solve the problems related to regression equation. In today's part, we are going to learn how to solve a problem related on coefficient of correlation. Okay, so let us take a quick review on previous parts. See, we have seen regression equation x on y. So equation jab bhi find out karna hai aapko regression se related, so we are going to use this formula x minus x bar x on y ka x minus mean by standard deviation of x by standard deviation of y minus y bar. Then we need to find out x bar, this is the formula, y bar, this is the formula, and standard deviation of y by standard deviation of x by standard deviation of y is nothing but this. So we have already seen this part in my previous videos, how to solve regression equation. So today we are going to see how to solve coefficient of correlation. Okay, so ab aap differentiate kaisa kariye, kaun sa formula kab use karna hai. See, agar tabulation form mein diya aapko, right, अगर x और y के वैल्यूज़ इस तरह से दिया 0, 1, 3, 4 एंड y के वैल्यूज़ आपको 3, 2, 4, 1 अगर टैबुलेशन फॉर्म में दिया और आपको बोला गया कि फाइंड आउट रिग्रेशन इक्वेशन, देन आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ये साइड का फार्मूला यूज़ करेंगे. और टैबुलेशन फॉर्म में नहीं दिया, सिर्फ डेटा दिया आपको. ओके, जब डेटा दिया आपको कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x on y, regression coefficient of x on y, so and so, like 0.52 and all that stuff. अगर वैसा दिया आपको क्वेश्चन में, तो आप ये फॉर्मूलेस यूज़ करना है. आई होप आई एम क्लियर. अगर टैबुलेशन फॉर्म में दिया आपको क्वेश्चन में, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करें. और अगर आपको क्वेश्चन में लाइक रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x on y 0.57 या फिर 3.25 इस तरह से दिया था, आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे. ओके, सो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फार्मूला आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स. सी हियर, हम ये जो है ये पार्ट यहाँ पर है हमारे पास. ओके, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स वाई स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई, ये इज नथिंग बट दिस बी ऑफ एक्स एक्स ऑन वाई. ओके, let us see properties of regression coefficient. First we need to understand the question, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को. एक प्रॉपर्टीज़ अगर हम समझ गए, तो इट विल बी ईजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. सो फर्स्ट वन इज़, बोथ रिग्रेशन कोएफिशिएंट हैव द सेम साइन. दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट की सेम साइन रहना, जैसा कि बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स की सेम साइन रहना, ईदर प्लस और माइनस. अगर प्लस में है तो दोनों प्लस में ही रहना, अगर माइनस में है तो दोनों माइनस में ही रहना है. एंड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन शुड बी सेम साइन, हाँ इसके भी, लाइक प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस. दोनों का अगर प्लस है तो दोनों का प्लस रहना चाहिए, अगर माइनस है तो दोनों का माइनस रहना चाहिए. एंड द एवरेज ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट is greater than the correlation coefficient, means bxy plus yx divided by 2, इन दोनों का अगर एवरेज निकाले हम, तो greater than रहना r से. ओके, r से greater than रहना वो. एंड देन r वैल्यू शुड बी बिटवीन प्लस 1 और माइनस 1. r के वैल्यूज जो है, r का वैल्यू जो भी आएगा, वो माइनस 1 और प्लस 1 के बीच में रहना. अगर सपोज 4.23 आ गया, तो दैट इज़ नॉट करेक्ट, या फिर 3. समथिंग, तो इट शुड बी बिटवीन प्लस 1 और माइनस 1. सो विद द हेल्प ऑफ सम क्वेश्चन, वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड किस तरह से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते. ओके, सो यहाँ पर गिवन टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, रिग्रेशन कोएफिशिएंट दिया हुआ है आपको x ऑन y. सी या रिग्रेशन कोएफिशिएंट x ऑन y इज 0.542 एंड y ऑन x इज इक्वल टू
0.905. कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स ऑन वाई. सो पहली चीज़ क्या देखना है हमको यहाँ पर, प्रॉपर्टीज़ में देखना है कि दोनों की साइन सेम है या नहीं है. तो यहाँ पर एक्स ऑन वाई की साइन प्लस है और वाई ऑन एक्स की साइन भी प्लस है. सो वी कैन प्रोसीड अहेड. अगर साइन डिफरेंट रहता तो वहीं पर हमारा प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता. साइन अगर सेम रहा तो देन हम वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम. ओके, सो हियर आई एम गोइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. सो एक्स ऑन वाई इज, यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ ये प्रॉब्लम भी, एक्स ऑन वाई इज प्लस 0.542. ओके, एंड वाई ऑन एक्स इज प्लस 0.905. सो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या है? आर इक्वल टू अंडर रूट बी एक्स y x y b y x y and y x. So x y कितना है? 0.542 into 0.905. पहले हम चेक करें दोनों के साइन. दोनों के साइन अगर सिमिलर है तो ही हम प्रॉब्लम को आगे बढ़ा सकते हैं. अगर नहीं है तो वहीं पर स्टॉप कर देना है. नाउ मल्टीप्लाई दिस टू, देन टेक आउट द रूट ऑफ दैट. ओके, सो मल्टीप्लाई ऑफ दिस टू इज अंडर रूट 0.49051. द आंसर इज 0.70 इज द आंसर. ओके, सो थर्ड, अगेन हम प्रॉपर्टी देख रहे हैं कि आर की वैल्यू क्या है. इट शुड बी बिटवीन प्लस वन एंड माइनस वन. तो प्लस और वन और माइनस वन के बीच में हमारी आर की वैल्यूज है. ओके, then let us see the next problem. The following calculation is made: byx plus 2.8, bxy is equals to minus 0.3. can it be so? So पहली property हमारी क्या पर है, क्या है यहाँ पर? Both regression coefficient have the same sign. Same sign तो नहीं है यहाँ पर. यहाँ पर plus 2.8 है, यहाँ पर minus 0.3 है. So no, it can't be. Proceed ahead. So let us start another problem. Given bxy is equals to 0.5, r is equals to 0.8, and variance of y is equals to 16, find the standard deviation of x. So given bxy is equals to 0.5, r is equals to 0.8, variance of y equal to 16, and we need to find out the standard deviation of x. Okay, so whenever the variance is given, इससे पहले ही बोली थी मैं आपको, variance जब भी देगा आप उसको standard deviation में ला रहे हैं. Standard deviation में कैसा लगा आप? Standard deviation of y is equals to under root variance. So under root 16 is equals to 4. Standard deviation of y is equals to 4. Okay, तो यहाँ पर bxy का फॉर्मूला क्या है? bxy is equals to r standard deviation of x by standard deviation of y. Okay, bxy we have 0.5 equal to r की वैल्यू है हमारे पास 0.8. स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x वी नीड टू फाइंड आउट बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y इज 4. ओके, सो नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 0.5 इंटू 4, this one 0.5 into 4 divided by 0.8 is equals to standard deviation of x. 0.5 into 4
2 divided by 0.8 is nothing but 2.5. Standard deviation of x is 2.5. The next one, the coefficient of regression of y on x. Coefficient of regression of y on x is 4.2, and the coefficient regression of x on y, y on x is equals to 4.2, x on y is equals to 0.5. So r equal to under root b y x into b x y, 4.2 into 0.5 under root. First multiply this, then take out the root of this. So we'll get under root 2.1, which is nothing but 1.449. So is it correct? So the value of r should be between plus 1 or minus 1. So it is more than 1. Okay. So the rule of the coefficient of correlation is the value of r should be plus or minus 1. So the value given given of y on x, either this wrong or this should be wrong, or both are wrong. That's why we are not getting r value correct. The next one, if the correlation coefficient r is equals to 0.86, r is equals to 0.86, and the regression coefficient of x on y is equals to 1.2, find the regression coefficient y on x. We need to find out the regression coefficient y on x. So formula for this is r is equals to under root b. If we can use x, y or y x 1 and like pehle ye bhi use kar sakte, ye bhi use kar sakte, problem nahi hai. R ki value 0.86, x, y ki value 1.2 into y x ki value we don't know, so b y x as it is. यहाँ पर रूट है, इधर साइड आ जाएगा तो क्या होगा, 0.86 होल स्क्वायर. रूट की वैल्यू, रूट हटा देंगे, ये साइड ला देंगे तो आप स्क्वायर हो जाएगा वो, 1.2 इंटू बी वाई एक्स. 0.86 इंटू 0.86 इंटू 0.86 0.7396 equal to 1.2 into b by x into है यहाँ पर, अगर ये साइड ले लेंगे तो डिवाइड हो जाएगा वो, so 0.7396 divided by 1.2 equal to b by x, so b by x equal to 0.6163 the answer. I hope you have understood this. So in next video I will be coming with a new chapter. Thank you.